भाई साहब विश्वास नहीं करूँ, मेरा हालत खराब हो गया भाई एंट्री करते टाइम। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऊटी, और मैं अभी फ़िलहाल ऊटी में हूँ और मेरा सुबह हो चुका है। तो वो जल्दी से फ्रेश होते हैं, जल्दी जो भी है फ्रेश वर्श सब करके आराम से थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे और इसके बाद निकल जाएंगे ऊटी को एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैं अभी फ़िलहाल अपने रूम में हूँ, सो के जगा हूँ, सुबह का 9 बज रहा है, थोड़ा सा लेट जगा हूँ मैं क्योंकि रात में थोड़ा सा काम हो गया था, डेटा ट्रांसफ़र ये सब 2-3 घंटा का काम था मेरा। तो इसके लिए मैं जल्दी से फ्रेश होकर निकलता हूँ बाहर और आप लोगों को दिखाता हूँ ऊटी, हाउ इज ऊटी। आई एम फुल रेडी एंड मैं निकल गया हूँ, बगल में एक लेक व्यू पॉइंट है और वहाँ के लिए, और अभी मैं फ़िलहाल ऊटी में वॉक कर रहा हूँ भाई, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, बगल में ही है लेक व्यू पॉइंट। तो यहाँ से लेक व्यू पॉइंट करेंगे, बोट हाउस है समथिंग वहाँ पे कुछ है बगल में ही, तो चलते हैं लेक व्यू पॉइंट इन ऊटी। तो मैं अपने रूम से जल्दी से रेडी होके निकल गया हूँ और ये मेरे लेफ्ट साइड में ही इधर ही है लेक व्यू पॉइंट, ये लेक का नज़ारा दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, बट उधर साइड से एंट्री लेने उस साइड से एंट्री लेने पे ज़्यादा क्लियर दिखाई देता है। तो चलते हैं लेक के पास और आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ का खूबसूरत नज़ारा। लेफ्ट साइड में लेक का ही ये बैरिकेडिंग किया हुआ है, बांधा हुआ ये ब्लॉकेज है, तो उस साइड से एंट्री लेने पे लेक पे अपन पहुँचेंगे। तब तक इधर हॉर्स राइडिंग, ये देखो भाई यहाँ पे बोटिंग स्टार्ट है लेक व्यू पर, लेक में, और शायद लेक का एंट्रेंस उस साइड से है, वहाँ से वो दिख रहा है उधर से लेक का एंट्रेंस है, और मैं इधर से ऐसे करके जाना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस थोड़ा सा लॉन्ग है, 4-5 मिनट चलना पड़ेगा मुझे। तो कोई नहीं, अब चलते हैं, निकल गए हैं तो मैं बाइक नहीं लिया, ऐसा था कि नियर बाई हाँ, तो गोप्रो का बैटरी भी चार्ज में लगा दिया हूँ, तब तक इसको एक्सप्लोर करके जैसे रूम पे जाऊँगा ना, जैसे रूम में जाऊँगा एक्सप्लोर करके तो बैटरी गोप्रो का फुल हो जाएगा और तब तक मैं इधर का एक्सप्लोर भी कर लूँगा एंड देन रिटर्न जाऊँगा मैं और अगले डेस्टिनेशन के लिए निकल जाऊँगा बाइक के साथ। तो अभी मैं वैसे ही पैदल जा रहा हूँ और बस लेक के पास पहुँचने वाले ही हैं, 5 मिनट और लगेगा मुझे। फाइनली मैं एंट्री ले लिया हूँ लेक साइड में, लेक व्यू पॉइंट के लिए मेरे को 20 रुपये का टिकट देना पड़ा, 20 रुपीज़ फॉर द एंट्री फी। तो एंट्री फी मैं पेमेंट करके एंट्री कर रहा हूँ, फिर अगर अंदर बोटिंग करना है तो उसका अलग से चार्जेस लगेंगे 1000 जितना भी जो भी है। तो चलो देखते हैं, बजट फ्रेंडली मैं एंटर कर गया हूँ ऊटी बोट हाउस में एंड ऊटी लेक व्यू पॉइंट, एंड देखते हैं बोटिंग का टिकट चार्जेस क्या है। यहाँ पे बोट टैरिफ 350 रिफंडेबल, टोटल 700, 30 मिनट राइड एंड मैक्सिमम 15 सीटर अवेलेबल एंड 1650 रुपीज़ एंड आई लव ऊटी। ये लेक का व्यू पॉइंट, फाइनली मैं अभी आ गया हूँ लेक का व्यू पॉइंट एंड आप देख सकते हैं इधर बोटिंग हो रहा है, इस साइड में बोटिंग स्टार्ट है एंड देन मैं अभी लेक का व्यू पॉइंट में हूँ। मैं बोटिंग नहीं कर रहा बिकॉज आई डोंट हैव टाइम 20 मिनट एक्सपेंड करने में, मेरे को आगे और भी आज का ही दिन मैं सेकंड स्टे अपने रूम का एक्सटेंड किया हूँ, रूम एक दिन और एक्स्ट्रा बढ़ाया हूँ ताकि एक दिन में ऊटी का
मोस्ट पॉपुलर स्पॉट्स जो है एक्सप्लोर कर सकूं, ताकि आप लोगों को दिखा सकूं एक्सप्लोर करके। अगर मैं बोटिंग करता ही रह गया एक घंटा इधर ही, तो मुश्किल हो जाएगा आगे का राइड करना, आपको दिखाना कि हाउ इज ऊटी एंड ऊटी का मोस्ट फेमस पार्ट्स। तो इसके लिए मैं अभी बोटिंग नहीं कर रहा। एंड यू कैन सी, आप देख सकते हैं, एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये देखो। ये देखो एक और, यहाँ पे हॉरर हाउस है, तो शायद उसमें एंट्री लेते हैं, देखते हैं क्या सीन है हॉरर हाउस का, एंड देन यहाँ से निकल लेंगे आगे की ओर। तो चलो हॉरर हाउस में चलते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ। तब तक के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं भी फिलहाल हूँ लेक पॉइंट, लेक व्यू पॉइंट है, ये टॉप पे है टेरेस, एक लेयर, एक तल्ले का ऊंचा हाइट है 10 फीट, और ऊपर से आप लेक का नज़ारा ले सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा लेक का सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ एंड देन हॉरर हाउस में एंट्री करेंगे। ₹120 का टिकट लगा है मेरे को हॉरर हाउस एंड जंकी फ्रेक करके ऐसा कुछ है। तो चलते हैं और एंटर करते हैं। तो मैं एंटर कर रहा हूँ हॉरर हाउस में, यू कैन सी। भाई साहब विश्वास नहीं करो, मेरा हालत ख़राब हो गया भाई एंट्री करते टाइम हॉरर हाउस में। तो मैं कि और ग्रुप के साथ एंटर करूँगा, फिलहाल बहुत डर लगा एंड लग गया भाई। तो चलो एंटर करते हैं, और भी लोग आ गए हैं तो साथ में एंटर करेंगे। ओ माय गॉड, फास्ट। Too much scary. Oh my god. भाई साहब एल लग गया मेरा, एल अंदर ना हालत खराब हो गया भाई मेरे। ओह शिट। और अदर व्हाट इज नेम, जंगल। तो मैं अभी जंगल जंकी में जा रहा हूँ फिलहाल, और आप देख सकते हैं लाइट जलाना हो रहा है। भाई
नेक्स्ट वर्ड नेम, नेक्स्ट मैन नेम, मिरर। तो मैं अभी जंगल जंकी से निकल के अब मिरर व्यू में जा रहा हूँ, और इसमें क्या होता है ना कि मिरर का जो भी है, अब चलो अंदर देखते हैं। लेकिन ये दो में हालत खराब हो गई, मेरा हाल लग गया भाई, जब इतना स्कैरी है ना मत पूछो, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एंड देन चलते हैं मिरर व्यू में, सो लेट्स गो। अभी फिलहाल हूँ मिरर रूम में, और यहाँ पे एंटर करते ही आपको मिरर इतना ज़्यादा दिखेगा कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि किधर जाना है। कभी कभी तो टकरा जाओगे भाई साहब, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो अब यहाँ से एग्जिट पॉइंट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जिट करना, अभी जस्ट निकला था लेकिन फिर से मैं एंटर कर गया हूँ। एग्जिट पॉइंट ढूंढता हूँ जल्दी से। ओ माय गॉड, ओ शिट 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 शिट। तो एग्जिट पॉइंट ढूंढ के निकलते हैं यहाँ से भाई लोग, और आगे का राइड कंटिन्यू करेंगे। तब तक पहले यहाँ से निकल ले तो भाई यार, देन दिख रहा है मेरे को एग्जिट पॉइंट दिख रहा है, बट मैं प्रॉपर वहाँ जा नहीं पा रहा, ये है। सो यहाँ से हम निकलते हैं बाहर और आगे का राइड कंटिन्यू करते हैं, और मैं एग्जिट कर रहा हूँ अपने ये मिरर व्यू पॉइंट से। लेट्स गो। No man, most dangerous. So guys, मैं अभी यहाँ पे तीनों जो भी था जंगल जंकी एंड मिरर व्यू एंड देन हॉरर पॉइंट, ये सब एक्सप्लोर करके बाहर निकल रहा हूँ। एंड यहाँ से निकलेंगे आगे की ओर, कैन सी। एंड यहाँ से मैं निकलता हूँ बोट पॉइंट व्यू पॉइंट से, लेक व्यू पॉइंट, और आगे का राइड, आगे का स्केड्यूल देता हूँ मैं चलते चलते। तब तक के लिए लगे रही राइडर आम के साथ भाई। ये जो हॉरर पॉइंट है ना, बहुत ज़्यादा डरावना भाई। एंटर किया ना, कभी कभी स्नैक आपके चेहरे पे आगे लटक रहा है। तो छोटे 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 से स्पेस में बहुत ज़्यादा स्कैरेस्ट बनाया गया है उसको, गुड। एंड एग्जिट पॉइंट किधर है, वेयर इज एग्जिट पॉइंट फ्रॉम हेयर।